नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक चलती है। भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार को राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक 5920 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से हर सोमवार को असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन से राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन तक 5919 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से सुबह के 5:30 में 2 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान होती है और 17:30 बाद छोटे दिन की सुबह 4 बजे असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक पहुँचने के लिए 7 दिनों में 72 लोकप्रिय स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 3,288 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 47 किलोमीटर पर आवर है। ICF कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर मेहता रोड जंक्शन होते हुए बीकानेर जंक्शन में पहुंचती है, फिर महाजन स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन, बाटिंडा जंक्शन, बरेटा जंक्शन, जिंद जंक्शन होते हुए सुकुर बस्ती स्टेशन में पहुंचती है, फिर ओल्ड दिल्ली स्टेशन, मुरादाबाद जंक्शन, हरदोई स्टेशन, गोंडा जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, छापरा जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, कटिहार जंक्शन, किशनगंज स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, न्यू बंगाईगांव जंक्शन, रंगिया जंक्शन, गुवाहाटी स्टेशन, लामडिंग जंक्शन, परकाटिंग जंक्शन, मोरियनी जंक्शन होते हुए 17:30 बाद छोटे दिन की सुबह 4 बजे असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब पेंटिकल नहीं है। यात्रियों को खाने पीने के सामान अपने साथ या स्टेशन से लेकर खाना होगा। अगर टिकट किराया के बारे में बात करें तो भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन में 3rd AC स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। तो मैं भी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा, राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले। राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक AC 3 टायर का किराया है 2,940 रुपया। राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक स्लीपर क्लास का किराया है 1,165 रुपया और राजस्थान के भगत की कोठी स्टेशन से असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन तक जनरल कोच का किराया है 540 रुपया। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। भगत की कोठी स्टेशन को बिजी के टी सुबह के 5:30 में भगत की कोठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन का यात्रा असम के न्यू तिनसुकिया जंक्शन के लिए प्रारंभ होते है। जोधपुर स्टेशन को JU सुबह के 5:40 में पहुंचती है और 5:50 में प्रस्थान को उठी है 10 मिनट का स्टॉपेज है। मेहता रोड जंक्शन स्टेशन को MTD सुबह के 7:05 में पहुंचती है और 7:10 में प्रस्थान को उठी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। नागौर स्टेशन को NGU सुबह के 8 बजे पहुंचती है और 8:05 में प्रस्थान को उठी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। नोखा स्टेशन को MOK सुबह के 9 बजे पहुंचती है और 9:02 में प्रस्थान को उठी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बीकानेर जंक्शन स्टेशन को BKR सुबह के 10:10 में पहुंचती है और 10:20 में प्रस्थान को उठी है 10 मिनट का स्टॉपेज है। लालगढ़ जंक्शन स्टेशन को LGH सुबह के 10:30 में पहुंचती है और 10:32 में प्रस्थान को उठी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। लुंकरनसार स्टेशन को LKS दोपहर के 11:35 में पहुंचती है और 11:37 में प्रस्थान को उठी है 2 मिनट का स्टॉपेज है।
महाजन स्टेशन स्टेशन को MHJ दोपहर के 12:06 में पहुंचती है और 12:08 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। सूरतपुर जंक्शन स्टेशन को SOG दोपहर के 1:40 में पहुंचती है और 1:50 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। पीलीबंगा स्टेशन स्टेशन को PGK दोपहर के 2:13 में पहुंचती है और 2:15 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन को HMH दोपहर के 2:40 में पहुंचती है और 2:45 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। सांगरिया स्टेशन स्टेशन को SGR दोपहर के 3:09 में पहुंचती है और 3:11 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। मंडी डब्बाली स्टेशन स्टेशन को MBY शाम के 3:50 में पहुंचती है और 3:55 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। बठिंडा जंक्शन स्टेशन को BTI शाम के 5:50 में पहुंचती है और 6:25 में प्रस्थान करती है 35 मिनट का स्टॉपेज है। मऊर स्टेशन स्टेशन को MAUR शाम के 6:52 में पहुंचती है और 6:54 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। मनसा स्टेशन स्टेशन को MSZ शाम के 7:10 में पहुंचती है और 7:12 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। गुटलागा स्टेशन स्टेशन को BLZ शाम के 7:28 में पहुंचती है और 7:30 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बोरेटा स्टेशन स्टेशन को BRZ शाम के 7:46 में पहुंचती है और 7:48 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। जोहल जंक्शन स्टेशन को JHL शाम के 8:20 में पहुंचती है और 8:25 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। टुहाना स्टेशन स्टेशन को TUM शाम के 8:38 में पहुंचती है और 8:40 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। नरवाना जंक्शन स्टेशन को NRW शाम के 9:05 में पहुंचती है और 9:07 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। जिंट जंक्शन स्टेशन को JIND शाम के 9:50 में पहुंचती है और 9:52 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। रोहतक जंक्शन स्टेशन को RUK शाम के 10:40 में पहुंचती है और 10:42 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बहादुरगढ़ स्टेशन स्टेशन को BGZ शाम के 11:13 में पहुंचती है और 11:15 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। चकुरबस्ती स्टेशन स्टेशन को SSB रात के 11:35 में पहुंचती है और 11:37 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। डेली किशनगंज स्टेशन स्टेशन को DKZ रात के 11:45 में पहुंचती है और 11:47 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। ओल्ड दिल्ली जंक्शन स्टेशन को DLI रात के 12:15 में पहुंचती है और 12:30 में प्रस्थान करती है 15 मिनट का स्टॉपेज है। गाजियाबाद जंक्शन स्टेशन को GZP रात के 1:15 में पहुंचती है और 1:17 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। हापुड़ जंक्शन स्टेशन को HPU रात के 1:55 में पहुंचती है और 1:57 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन को MB रात के 3:32 में पहुंचती है और 3:40 में प्रस्थान करती है 8 मिनट का स्टॉपेज है। बरेली जंक्शन स्टेशन को BE सुबह के 5 बजे पहुंचती है और 5:03 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। शाहजहानपुर जंक्शन स्टेशन को SPN सुबह के 6:12 में पहुंचती है और 6:16 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। हरदोई स्टेशन स्टेशन को HRI सुबह के 7:08 में पहुंचती है और 7:10 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। लखनऊ सारबाग NR स्टेशन स्टेशन को LKU सुबह के 9:25 में पहुंचती है और 9:35 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है। बाराबंकी जंक्शन स्टेशन को BBK सुबह के 10:33 में पहुंचती है और 10:35 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। गोंडा जंक्शन स्टेशन को GD दोपहर के 12:25 में पहुंचती है और 12:30 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। बस्ती स्टेशन स्टेशन को BST दोपहर के 1:40 में पहुंचती है और 1:43 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन को GKP दोपहर के 3:20 में पहुंचती है और 3:30 में प्रस्थान करती है 10 मिनट का स्टॉपेज है।
देवड़िया सोडोर स्टेशन स्टेशन को DUS शाम के 7:40 मिनट में पहुंचती है और 7:45 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। सिवान जंक्शन स्टेशन को SB शाम के 6 बजे पहुंचती है और 6:05 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। छपरा जंक्शन स्टेशन को CPR शाम के 7:15 मिनट में पहुंचती है और 7:20 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। सोनपुर जंक्शन स्टेशन को SEE शाम के 9 बजे पहुंचती है और 9:02 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। हाजीपुर जंक्शन स्टेशन को AJP शाम के 9:12 मिनट में पहुंचती है और 9:17 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। बोरुनी जंक्शन स्टेशन को BJU रात के 12:05 मिनट में पहुंचती है और 12:15 मिनट में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। बेगूसराय स्टेशन स्टेशन को BGS रात के 12:33 मिनट में पहुंचती है और 12:35 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। पोखरिया जंक्शन स्टेशन को KGG रात के 1:20 मिनट में पहुंचती है और 1:22 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। नौगुसिया स्टेशन स्टेशन को NNA रात के 2:18 मिनट में पहुंचती है और 2:20 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। कटिहार जंक्शन स्टेशन को KIR सुबह के 7:10 मिनट में पहुंचती है और 7:20 मिनट में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। आजमनगर रोड स्टेशन स्टेशन को KZR सुबह के 5:20 मिनट में पहुंचती है और 5:22 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। बोरसुई जंक्शन स्टेशन को BUE सुबह के 6:03 मिनट में पहुंचती है और 6:05 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। किशनगंज स्टेशन स्टेशन को KIANI सुबह के 6:55 मिनट में पहुंचती है और 7 बजे प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। आलूबारी रोड जंक्शन स्टेशन को AUB सुबह के 7:23 मिनट में पहुंचती है और 7:25 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू जलपाइगुड़ी जंक्शन स्टेशन को NJP सुबह के 9 बजे पहुंचती है और 9:10 मिनट में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू कोचबिहार स्टेशन स्टेशन को NCB सुबह के 11 बजे पहुंचती है और 11:05 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन स्टेशन को NOQ सुबह के 11:23 मिनट में पहुंचती है और 11:25 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। पोकेग्राम जंक्शन स्टेशन को FKM दोपहर के 12:09 मिनट में पहुंचती है और 12:11 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू बंगाईगांव जंक्शन स्टेशन को NBQ दोपहर के 1:30 मिनट में पहुंचती है और 1:40 मिनट में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। बोरपेटा रोड स्टेशन स्टेशन को BPRD दोपहर के 2:15 मिनट में पहुंचती है और 2:20 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। रोनिया जंक्शन स्टेशन को RNY दोपहर के 3:25 मिनट में पहुंचती है और 3:30 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। कामाख्या जंक्शन स्टेशन को KYQ शाम के 5:28 मिनट में पहुंचती है और 5:30 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। गुवाहाटी स्टेशन स्टेशन को GHY शाम के 5:45 मिनट में पहुंचती है और 6:10 मिनट में प्रस्थान होती है। 25 मिनट का स्टॉपेज है। जागीरुद स्टेशन स्टेशन को JID शाम के 7:03 मिनट में पहुंचती है और 7:05 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। चापुरमुख जंक्शन स्टेशन को CPK शाम के 7:33 मिनट में पहुंचती है और 7:35 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। हुजाई स्टेशन स्टेशन को AJI शाम के 8:10 मिनट में पहुंचती है और 8:12 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। लामडिंग जंक्शन स्टेशन को LMG शाम के 9:15 मिनट में पहुंचती है और 9:20 मिनट में प्रस्थान होती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। डिफू स्टेशन स्टेशन को DPU शाम के 9:54 मिनट में पहुंचती है और 9:56 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। दीमापुर स्टेशन स्टेशन को DMV शाम के 10:32 मिनट में पहुंचती है और 10:42 मिनट में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। तरकाटिंग जंक्शन स्टेशन को FKG रात के 12:48 मिनट में पहुंचती है और 12:50 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। मोरिनी जंक्शन स्टेशन को MXN रात के 1:35 मिनट में पहुंचती है और 1:45 मिनट में प्रस्थान होती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। सिमलुगुड़ी जंक्शन स्टेशन को SLGR रात के 2:31 मिनट में पहुंचती है और 2:33 मिनट में प्रस्थान होती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू तिनसुकिया जंक्शन स्टेशन को NTSK सुबह के 7 बजे न्यू तिनसुकिया जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों इसका साथ ही भगत की गुठी न्यू तिनसुकिया स्पेशल फेयर स्पेशल ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।